हेलो, अरे ठहर जा ठहर जा, चिंता मत करे, सबन ने लूट के धरेगी, का चक्कर होए? देखा तो जेव बैठे हैं ना, लूटवा इन्हें, वहां लूटूंगी यार, इन्हें वहां लूटूंगा, बस सामने बारे इन्हें तो आज की रात में मार के छोड़ूंगी। हाजी माता, गीत बजाओ कोई। इन्होंने तो बहर हमारे कहने से गाई नहीं, लेकिन आपको बहर गानी पड़ेगी। हमारा जान तो तुमने जवाब गयो ना गयो, लेकिन तुम्हें बहर गानी पड़ेगी। उन्होंने नहीं गाया बहर, वो भी जनता के मनोरंजन की, उस्ताद जी के वस्ता में सब कुछ है। उन्होंने बहर नहीं गाई, हमने कहा था, लेकिन तुम्हें बहर गानी पड़ेगी। और यहाँ के बाद दूसरे नंबर पर बोला जनता, जब खुश हो गई भाई। वाह, क्या बात है, साउंड सर्विस। हेलो हाजी बाद साहब, ये गुरुपद पंकज मैं पूज के सुमरू सारदाम, और ये राज राजनी सब तो स्वयं परसाऊ माधने आ। सकू
मेरे करो कंठ पे। परमादरणीय जनता जनार्दन, जितने भी दूर दराज से रसिया प्रेमी इस कार्यक्रम को सुनने के लिए पधारे हैं, भैया निवेदन है, जो भैया लेटे हुए इनसे निवेदन, आप लोग बैठ जाएं जरा, इनको भैया जगाओ जरा, इनको मतलब बुढ़ापो दे आयो, ले आयो, तब मतलब नींद लाएगी का भैया, भैया ना जग जाइयो, उन्हें जगा दो, ना पहले नंबर पे जे हालो तो फिर बाद में कहो, जगाओ सबको, जगाओ जरा, और ना जग रहे हो तो नए नए घोंगरिया कर दे, जग जाएंगे। और जो भैया सो रहे हैं उनसे निवेदन है, जिन्हें नींद आ रही है वो पीछे जाकर के सो जाए, अगर आपको सुस्ती आएगी तो हम लोगों को पहले सुस्ती आ जाएगी, तो कार्यक्रम लगभग एक महीने से लगातार चल रहे हैं, इसलिए निवेदन आप लोग बैठ जाए जरा, कोई भी सुस्ती ना छोड़े। अच्छा जब तक धुआं दाड़ ना हो, मतलब अबू कमी रहेगी कछु, मतलब कितनों तो मामलों बनो तब मतलब फटका, चिंता ना करिए सब कुछ होगा। सर्वप्रथम भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर के पावन चरणों में नमन वंदन करते हुए, यहाँ की इस पावन भूमि को नमन वंदन करते हुए, आज के इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाली परम वंदनीय इस नगला खिटकारी की समस्त सम्मानित कमेटी, सभी के पावन चरणों में नमन वंदन करते हुए, और जितने भी दूर दराज से रसिया प्रेमी पधारे हैं, सामने वाला बड़ा ही दिग्गज अखाड़ा परम आदरणीय गुरु सीपी शर्मा जी, बड़े भाई संतोष जी, सबको नमन वंदन करते हुए, आइए इस छोटे से अखाड़े अखाड़ा स्वर्गीय श्री लाला चंदोमल विप्र अखाड़ा परम आदरणीय गुरु रामवीर जी की ओर से मैं आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बहुत सुंदर। हेलो प्रिया जी, हमारे गुरु जी रामवीर सिंह जी, उनकी पत्नी का देहांत हो गया इसलिए आ नहीं पाए, हमारी अगर घरवाली चार दिन के लिए रूठ के चली जाए तो खाना अच्छा नहीं लगता। हिम्मत देखो, हिम्मत देखो, अखाड़ा भेज दिया और आए गाने के लिए मेरे दिनेश भैया जी। मुझे बड़ा ही दुख है इस चीज का कि गुरु जी रामवीर सिंह जी हैं, उनके पत्नी का देहांत हो चुका है, वो नहीं आ पाए, लेकिन दिनेश तोमर जी आए हैं। मैं बड़ा ही आभार व्यक्त करता हूँ इस चीज का कि बड़ी ही हिम्मत है, हमारी तो घरवालियां रूठ के चली जाती है, खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी पत्नी का देहांत होने के बावजूद भी अखाड़ा भेजा है यहाँ पर। दोस्तों दोनों ही तरफ से कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, अभी बड़े भैया संतोष जी ने बहुत कुछ सुनाया आप लोगों को, कोशिश की कि आप लोगों का भरपूर मनोरंजन हो सके, सुनाया भी और देखा भी, एक छंद कहा और कह रहे थे कि तुम कौन कौन से परो है, तेरी मम्मी को नाम का आखिरकार हमें जी बतलाए थे, तुम्हें अंश कौन को परो है, इसका भी जवाब होगा, ये भी बतलाया जाएगा कि हमें में अंश किसका है, हमारे अंदर अंश किसका, इस बात का भी जवाब होगा। उसके बाद क्या कारण था कि मंथरा बन गई भगवान राम को वन भेजने में, एक रसिया गाया दुबकरे बहू के लहंगा में, बैठा रहो भैया बैठा रहो, नैनक 100 रुपए का पुरस्कार जसराम गुरुजी नगला उतरा वाले देते हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। एक रसिया गाया दुबकरे बहू के लहंगा में, उसके बाद आनंद दिलाने के लिए आपको भरपूर मनोरंजन की कोशिश की, बुढ़ापो बूढ़े ने बुढ़ापो मतलब बेटा पे तो ले ले जबानी और बाल करने दे रहो बुढ़ापो। तो संतोष भाई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूं, अगर इस जनता का आशीर्वाद और प्यार रहा और गुरु कृपा रही तो आज के बाद तुम जबानी देने लायक नहीं रहोगे, इस बात की गारंटी है। बोल बाबा साहब की। दोस्तों कोशिश करूंगा कि शायद आप लोगों को आनंद आए, भैया इसमें से हल्का सा ईगो कम करो क्योंकि आवाज समझ में आनी चाहिए, कोशिश करूंगा आप लोगों को आनंद आए,
गुरु की अनुपस्थिति में यह कार्यक्रम हो रहा है, कोशिश मेरी ओर से होगी आपका भरपूर मनोरंजन हो और आपको आनंद आए। जय हो। दो शब्द आदरणीय गुरु के भी गुरु के लिए, उसके बाद मेरी ओर से कार्यक्रम की शुरुआत देखेंगे आप लोग। आइए कि अब मेरे चंदोलाला और हम दे गए गुरुवर कभी आपकी। संतोष भाई मुझे नहीं कहना चाहिए, YouTube लगा हुआ है, जिस दोहे को आप गा रहे थे ये दोहा कम से कम 3 बार मेरे गुरुजी इसी मंच पर गा चुके हैं। मना रहे हम जयंती है दिल में प्यार असीम, हाथ जोड़कर सभी को मेरी नमो बोध जय। ये पॉइंट नोट किया जाए मी डॉट। चलो ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं बढ़िया है। कि कोई रसिया होंगे, अरे कोई रस भरे क्या, ये रसिया होंगे और रस भरे, कोई जुड़ रही भीर अपार, अरे जुड़ रही भीड़ अपार, और एक बार सब बोलिए बाबा भीम की जय जय। कहा था कि महाभारत से छंद होना चाहिए। हाँ, सीटी अच्छे बच्चे सीटी नहीं मारते। हाँ जी, हेलो अर्जुन जी महाराज, जरा इधर ध्यान दो, अर्जुन जी इधर ध्यान दो जरा, हम बिल्कुल कहानी खोल करके गा रहे हैं। अर्जुन तो जब देंगे वो अर्जुनिया रोके थे ना रोके रही, सब कच कहियां बब्रवार पहुंच गया, मेरे पीहरी इनते मत कच कहियां जी, मेरा भैया है जिना तेरी तेरो जी जाए जी। कोई बात नहीं, हर चीज का जवाब होगा, काहे टेंशन ले रहे हो, आराम से। हेलो, हाँ जी, थोड़ी सी इसकी गेंद बढ़ा दो हल्का सा। बब्रवान पहुंच गया, खुली हुई कहानी है बब्रवान से। अर्जुन कह रहा है कि आखिरकार तुझ में किसका अंश पड़ा है, तू मुझे बाप बताने वाला है कौन। इधर से बब्रवान क्या जवाब दे रहा है ये सुनेगा, सुनिए। तुम कह रहे थे तू पुत्र बने जबरन में रहो, तो आइए सुनिए यहीं से। कि कोई रिश्तन ने और घेरा घेरो, क्या ये रिश्तन ने और घेरा घेरो, कि कोई रिश्तन ने और घेरा घेरो, अरे उठ रही है गर्म ये भा, उठ रही है गर्म ये भाप, और मुझसे कहने वालों सुनो कि कौन कौन से पर हो तो हम क्या कह रहे हैं। उठ रही है गर्म ये भाप, अरे कृष्ण नाम माला फेरो, अरे नहीं तो पड़े इलम की। ये 500 एकड़ रुपए का आशीर्वाद नहीं बनने चाचा नगला कश्यप बालों की तरफ से मिले हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका सम्मान कर दें। बहुत खुशी की बात हमें ये है कि आज हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं।
और ये बाबा साहब की जयंती सिर्फ नगला खिटकारी में नहीं, नगला खिटकारी में नहीं, पूरे जिला अलीगढ़ में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि भारत देश में नहीं, लेकिन पूरे विश्व भर के अंदर आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। इतने अनोखे और अद्भुत, क्योंकि जिन्हें भारत रत्न कहा गया, जिन्होंने गांधी को भी भीख जान में दे दी, ऐसे भारत रत्न का जन्मदिन आज एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, चार दिन नहीं, पूरे अप्रैल के महीने नहीं, पहले तो 30 अप्रैल तक मनता था, आज मौका मिलता है तो मई के आधे तक इस जन्मदिन को मनाया जाता है। जय हो, ताकत है बाबा साहब के संविधान की। अब कह रहे थे, सुनेगा कि काम करो है उल्टी छाप को, अरविंद भैया उधर से बब्रवान कह रहा है, क्योंकि कहा था अर्जुन ने नाम करो बदनाम बाप को, तो बब्रवान क्या कह रहा है कि तुमने काम करो है अरे उल्टी छाप को, अरे बन रहे हो अब तंस खरो, अरे बन रहे हो अब तंस खरो, अरे बन रहे हो अब तंस खरो। और गुरु सीपी शर्मा जी, आपका तो घर का लिखा हुआ मामला था, यहां ताजी ताजी में देखो, अरे बन रहे हो हे अब तंस खरो, अरे फल मिल रहे हो ए बई पाप को, अरे तुम्हें फल मिल रहे हो ए बई पाप को, जो तुमने ही पहले मंस धरो। भाई पाप को जो तुमने ही पहले मंस धरो, अब मंस कैसे धर दिया जब तुम आए वन में घूमने के लिए, तब क्या हुआ कि आस कहे गए महतारी परे आस को, ये आस का ये आस कहे गए महतारी पे, देखो वो न्यारी पे प्यारी, वो देखो न्यारी पे प्यारी, वो देखो न्यारी पे, मैं कोई गैर नहीं, आशीर्वाद नहीं भैया दिनेश गुड़ वाले, उनकी तरफ से नगला खिटकारी वालों की तरफ से प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनो महाराज, हाँ जी पिताजी, ये बेटा क्या कह रहा है आपका, जरा नजर उठाइए पिताजी, अरे पिताजी ने नीचे ऊपर नजर उठा लो, पापा जी क्या कर रहे हो नीचे बैठे, अरे सुनो पापा जी, अरे मो में तो है अंश आपको, क्या मो में तो है और अंश आपको, कह रहे थे नाम करो बदनाम तेने मैया को, तब क्या कह रहा है बब्रमान, अरे मो में तो है अंश आपको, या फिर अरे मैं तो हूं कोई असली बाप को, अरे रही डूबती नैया को, अरे रही डूबती नैया को। और मुझे बस एक बात बता दीजिए, मैंने तो बता दिया कि मुझ में अंश आपका है, अरे रही डूबती नैया को, अरे त्यारे अंदर मोए अंश न दिखे, और तुम्हारी तो चलती क्या है, चाहे तुम्हारे बड़े भाई हो चाहे छोटे भाले भाई हो, तुम पांचों के पांचों, अरे त्यारे अंदर अंश नहीं है, वो देखो पांचों भैया को, देखो पाचो भैया को। प्यारे अंदर क्यों अंश नहीं है,
क्योंकि महाराज युधिष्ठिर धर्मराज से पैदा और तुम स्वयं इंद्र के द्वारा पैदा हुए, आखिरकार तुम में असली बाप का अंश कहां रहा? हाँ जी पापा जी, तुमने कहां गई अम्मा बात समय पे, तुम्हारे अंदर कहां रहा असली बाप का अंश? कि ना तुम बच के जाओ यहां से, ना तुम के जाओ यहां से, अरे यहां से, अरे यहां से देखो नाए वहां से, यहां से नाए देखो वहां से, अरे कह रहे आयो है तू कहां से, कह रहे आयो है तू कहां से, कह रहे आयो है तू कहां से, होते पैर नहीं अभी कह रही जो लई जवानी मांग बुढ़ापो दे रहे हैं। भैया तुम क्यों तो ना जवाब दे दूंगा जाको ना कजे, कह रही कि ना रसीले से बाबा, हम बताएंगे रसीले बाबा कैसे होता, कहां गई है, कहां चली गई? न बजा मां स्वराज की बात बताएं। राज की बात बताएं, अरे राज की बात बताएं, अजब सी उलझन है, गाना कैसे गाएं सामने समझन है, कह रहे थे पवन भैया, कह रहे थे अरे जो लई जबानी मांगे बुढ़ापो दे रहे हैं, अरे बूढ़े बूढ़े मजा इश्क को ले रहे हैं, बूढ़े बूढ़े मजा इश्क को ले रहे हैं, और बाबा तुम ले रही हो कछु लेना हो तो वो तो दे रही, अभी नौ कह रही थी थोड़ी देर पहले के बाबा के तो टावर चले गए हैं, अरे तुझे नहीं पता पगली, अरे रुक जा, मतलब उन्हें होड़ करेगी तू, अरे वो जो कर रहा है करने दे, लेकिन तू क्या कर रही है ये बात बता, कि बाबा के टावर ना आए गए टावर रे, ओ दे हम बताएंगे एक ही लाइन पे जनता में, भैया कह रहे थे दो दो फुट डेढ़ डेढ़ फुट उले ही जनता जाई लाइन पे, कि बाबा के टावर पूरे आए रहे, अरे बाबा के टावर पूरे आए रहे, जितो पहले तई ठुके ठुकाए हैं, अरे जितो पहले तई ठुके ठुकाए हैं, और भैया आनंद आ जा पीछे तक तो आशीर्वाद, अरे जितो पहले तई ठुके ठुकाए हैं, अरे इन बाबन ते बच के रहियो जे लॉकडाउन के रुके रुकाए, अरे पावन से बच के रहियो लॉकडाउन के रुके रुकाए, कह रहे थे जऊ पे टैक्स होए बालक बनाए पे टैक्स होए, जब बालक बनाए पे टैक्स होए तो भैया एक बात मुझे बताओ, अभी तुम्हें नहीं मालूम अभी बिल पास नहीं हुआ है बच्चों मनाने वाला टैक्स अभी पास नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है अब मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसका एक कारण, उसमें एक महाराज लगे हुए हैं अपना प्रोग्राम सेट करने में, धर्म के जो पाबंद बन के राजा हरिचंद्र बिके खुद लोणा और लोगाई बेच रहे हैं, देखो और लोणा और लोगाई बेच रहे हैं, देखो वो लोणा और लोगाई बेच रहे हैं, अरे बिके खुद लोणा और लोगाई बेच रहे हैं, अरे शैंपू साबुन जानदार बड़े बड़े दुकानदार, और तुम्हारे काज एक काम दे रहा हूं पापा जी, अरे शैंपू साबुन जानदार बड़े बड़े दुकानदार खरीद लो तेल और चटाई बेच रहे हैं,
खरीद ले तेल और चटाई बेच रहे हैं, खरीद ले तेल और चटाई बेच रहे। अरे बाप सुबह शाम पाल आशा राम राम पाल राम पाल रे ओ अरे बाप सुबह शाम पाल आशा राम राम पाल बेशरम धर्म की दोहाई बेच रहे हैं। अरे बेशरम धर्म की दोहाई बेच रहे हैं, बेशरम धर्म की दोहाई बेच रहे हैं। और भैया अगर आदेश हो तो कह दूं का, हाँ जी पवन भैया धीरे धीरे, आदेश हो तो कह दूं, दोनों हाथ खड़े करके बताओ, कह दूं का, अरे देख ले वो धर्म की दोहाई बेच रहे हैं। और पापा जी चुको तुम में तो मामलो रहो ना, अब तुम कह रहे कौन कौन से टावर चले गए हम बताएंगे, अब कहा बेचने में तुम्हारे काज काम आवोगे। अरे देख ले वो धर्म की दोहाई बेच रहे हैं, अरे देखो संत नामदेव और बाबा रामदेव बालक बनाए की दवाई बेच रहे हैं, बालक बनाए की दवाई बेच रहे हैं, बालक बनाए की दवाई बेच रहे हैं। अरे आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है। ये 100 रुपए का आशीर्वाद भैया उपेंद्र कुमार जी नगला खटकारी वालों की तरफ से, और ये 501 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय श्री शंकरलाल बोहरे नगला खटकारी, चिंता मत करो बहर सुनाऊंगा, घबराइए मत भैया, आनंद आ रहा हो ना यार, जब बताओ जरा हाथ खड़े करके आ रहा है, धन्यवाद भैया, रसियाबाजी में आनंद ला के कर, क्या कहते हैं मजा आएगा ना, आ रहा है जाऊती ज्यादा मजा करवाऊं, जाऊती ज्यादा मजा बिल्कुल खुल के। क्योंकि मैं कीर्तन गाता हूं इसलिए मुझे आनंद शब्द याद है। एक बार दोनों हाथ खड़े कर दें आप, एक बार कह दो बाबा भीम राव की बोलिए बहुत भगवान की। कह रही थी कि ना रसीले से बाबा आ जाओ, तो हम का कह रहे हैं रसीले बाबा आगे तो होगो का, अगर रसीले से बाबा ने आए हुए कर्राई पकड़ गए और टावर पूरे आ गए बाबा के, तब का होगा भैया। अरे रसीले बाबा आ गए तो और खड़ो पमाड़ो कर देंगे, खड़ो पमाड़ो कर देंगे, और बाबा के आ गए टावर तो तेरो पेट लगाओ। पेट नगाड़ो तब होवेगो बात, पहले एक काम और रह जावेगो, पेट नगाड़ो बात पहले हो तो का बात पहले काम हो तो भैया क्यों तो कह दूं ना का, चूंकि एक्सपीरियंस हो हमारे पापा जी है, पापा जी मच्छर खाएगो तो मामलो गड़बड़ है जावे हो। पेट नगाड़ो कब होगो कि कोई रसीले बाबा आए गए तो सब हुस्न हसीना सह जाएगी, सब हुस्न हसीना सह जाएगी, सब हुस्न हसीना सह जाएगी, और आनंद आता चले तो आशीर्वाद देते चलेंगे। अरे हुस्न हसीना सह जाएगी, अरे बाबा ते बचके रहियो नहीं नीचे ते पसीना दे जाएगी, अरे बाबा ते बचके रहियो नीचे ते पसीना, आपकी कमाई पे कमाई हाई भाई पे, अरे प्रेमी भी देखो प्रिय तम्मा पे टैक्स है, प्रेमी भी देखो प्रिय तम्मा पे टैक्स है। कह रहे थे अरे चाची और ताई पे, बहन और भाई पे, लोग और लुगाई पे, अम्मा पे टैक्स है। संतोष भाई पूरा लड़ा हुआ है। अरे प्रेमी भी देखो प्रिय तम्मा पे टैक्स है, अरे दर्जी और नाई पे, नर्स और दाई पे, चलने वाली हर एक सम्मा पे टैक्स है, चलने वाली हर एक सम्मा पे टैक्स है, चलने वाली हर एक सम्मा पे टैक्स है। अरे तेरी भौजाई पे बाप और माई पे भौजाई रे, पे तो जैसे नीच और निकम्मा पे टैक्स है, तो
जैसे नीच और निकम्मा पे टैक्स है, तो जैसे नीच और निकम्मा पे टैक्स है। और भैया असली बात हो तो बता दियो, आनंद आ जाए तब बात अगर सही हो। काय पे असली टैक्स काय पे? और भाई धीरे धीरे, असली टैक्स किस पे? क्योंकि तो जब आते हैं ये रसिया वाले और जब घूंघट खुलता है तो 500 ना है, 100 ना है, चल लो आजकल 500 छोड़ो, 1000 मांग रहे हैं। अरे ये तो जैसो देखो निकम्मा पे ये टैक्स है, तो जैसे नीचे निकम्मा पे टैक्स है। और बात सही हो तो आशीर्वाद, नीचे पेरा देख जा पजम्मा पे टैक्स है। अरे ये बैंड सहनाई पे शादी और सगाई पे, बैंड सहनाई पे शादी और सगाई पे, नाचने वाली छम्मक छम्मा पे टैक्स है, नाचने वाली छम्मक और छम्मा पे टैक्स है। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद फिर से भैया दिनेश गुड़ वाले, चिंता मत करो सुबह तुम्हारा गुड़ जरूर लेके जाएंगे, आज भैया ने एक व्यवस्था करवा दी हूं। तब कहना पड़ा, सुनिएगा, कह रहे थे आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, जो लई जबानी मांगे बुढ़ापो दे रहे हैं, अरे बूढ़े बूढ़े मजा इश्क को ले रहे हैं। अब जी इश्क को मजा ऐसे ही नहीं ले रहे, अब जब जवानी मांगी है तो कछु और खोल के दे रहे हैं। क्या मामला खोल खोल के ही चल लो है। कोई दे, अरे कोई दे ओ जवानी आज जे बूढ़े कह रहे हैं, दे ओ जवानी आज जे बूढ़े कह रहे हैं, अरे दे ओ जवानी आज जे बूढ़े कह रहे हैं। अब ये तो कह दिया, इन्ने लई जवानी मांगे, इन्ने लई जवानी मांगे, न मन में भे रहे हैं, माननाए भे रहे हैं। और क्योंकि जब जवानी मांगी तो जवान हुए, बुढ़ापे से जवान हुए तो, और जब बुढ़ापे से जवान हुए तब क्या हुआ? तब आपके पूरे गाने पर ताली नहीं बजी, एक लाइन पर सुन लेना, इन्ने लिए जवानी मांगे ना मन भे रहे हैं, ना मान ये भे रहे हैं। और जब जवानी मांग ली तो तब क्या हुआ? अरे खोल के देखो आज हाथ में दे रहे हैं, खोल के देखो आज हाथ में दे रहे हैं। और ऐसे नहीं कह दिया, जय होना चाहिए, अब जय होना चाहिए, क्या करूं गुरु तुम बताओ, जय होना चाहिए। भैया कितने लोग चाह रहे हैं कि दोबारा आ जा, मैंने हाथ खड़े करके बता दो। अच्छा जय चाहिए, धन्यवाद। इन्ने लिए जवानी मांगे जे बूढ़े कह रहे हैं, जे बूढ़े कह रहे हैं, जे बूढ़े कह रहे हैं, अरे चाकी अम्मा के हाथ में खोल के दे रहे हैं। ऐसे नहीं, देना बहुत कुछ होता है, कोई वरदान देता है, कोई हाथ से दक्षिणा देता है, बुरा मत मानना भैया, बुरा मानने की जरूरत नहीं, आपसे नहीं कहा जा रहा व्यक्तिगत, भाई दक्षिणा भी तो देते हैं, हाथ में देते नहीं देते हैं? और हाथ में हाथ दे रहे हैं ऐसे ना दे रहे, क्योंकि तो जब शादी करके लाए, जे खोल के देखो हाथ तो हाथ में दे रहे हैं। भैया गलत बात नहीं होगी, एक एक बात के दो दो अर्थ होंगे, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। जे खोल के देखो हाथ तो हाथ में दे रहे हैं। अब सुनो कौन है किसको हाथ दे हाथ में? राजा उत्तानुपाद ने सुरुचि से शादी करी, सुरुचि से शादी करी, सुरुचि से शादी करी, अरे बूढ़े थे वो राजा, क्योंकि सुमति ने बताया कि महाराज शादी कर लो, मेरे बेटा नहीं होगा। जब बेटा नहीं होगा तो राजा उत्तानुपाद ने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी की तो उनके द्वारा एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन उससे पहले एक बेटा ध्रुव और पैदा हो गया। जब पहुंचे कुटिया में तब क्या हुआ? अरे बूढ़े थे राजा, रानी में जवानी भरी, अरे बूढ़े थे राजा, रानी में जवानी भरी,
अरे बिस के देखो बीज आप ही बे रहे हैं, बिस के देखो बीज आप ही बे रहे हैं, अरे बिस के देखो बीज आप ही बे रहे हैं, खोल के देखो हाथ हाथ में दे रहे हैं। तुमसे एक ही बात कही थी, एक बहर जवाब काऊ को होए न होए, यहाँ कोई कंपटीशन ना है, यहाँ तो जनता को मनोरंजन करवे आए हो। चिंता मत करो, सब कुछ होगा, उसी में आनंद आएगा, आनंद आ रहा है भैया, मजा आ रहा भैया, ना आ रहा है। देखो हर आदमी एक बात कहता है, सब समाज को, अरे तुम बाबा साहब को कब्बा बताओ, भैया बताओ बाबा साहब को ना कब्बा है, अब तो ना कब्बा रहे, खुल्ला मुखल्ला है रही है, और दोनों पार्टी ने फिर छूटा, कुछ भी गाओ चाहे नंगे हो कुछ भी करो, ध्यान रखियो भैया, वो नंबर पे कपड़ा उतारने ने ध्यान रखियो, संतोष भाई लोग हैं नंगे, जाओ पर आनंद आना चाहिए, चिंता मत करो, बिना नंगे ही होके आपको आनंद आएगा, ये कोशिश हम दोनों पार्टियों की रहेगी, सिर्फ मेरी ओर से नहीं, अगले नंबर पर फिर संतोष भाई की तरफ से कोशिश रहेगी, आपको आनंद आना चाहिए। हर के, हर के, एक बार हमारे संतोष भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाते हैं आप लोग, जोरदार तालियां बजाते हैं आप, और ये 100 रुपए का पुरस्कार उदयराम मुनीम जी, जसवंत सिंह उत्तरा वाले, कहा बब्रवान ने, हे पिताजी सुनो, अरे चित्रांगदा नाम मेरी मैया को, अरे चित्रांगदा नाम मेरी मैया को, गुरु आज रसियाबाजी यही लाइन पे हो गई, पूरी रात ध्यान रखी हूं, या तो प्रमाण आपको देना पड़ेगा, नहीं प्रमाण ये दिनेश तोमर दे करके जाएगा, या तो प्रमाण दो नहीं प्राण दो, इसी लाइन पर रसियाबाजी हो जाएगी, ध्यान रखना, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, या तो मैं कहता ही नहीं हूँ, कहता हूँ तो उस बात को करता हूँ, ध्यान रखना, अरे चित्रांगदा नाम मेरी मैया को, अरे मैं तुम्हें बताऊं ऐसे है, अरे मैं तुम्हें बताऊं ऐसे है, और मैं तो ऐसे हो गया, अरे मैं तुम्हें बताऊं ऐसे है, अरे पांडु पिता होते सोते तुम इंद्र के हो गए कैसे है, क्योंकि तुम्हारे तो पांडु पिता थे फिर भी तुम इंद्र के कैसे हो गए, ये बता मुझे बतलाइए आप, कि ना लगे तिलक बोरोली रे देखो, अरे बोरोली, अरे बात ये देखो मैंने खोली, अरे बात ये देखो मैंने खोली, अरे मेरी, अरे मेरी अम्मा कहाँ कहाँ डोली, अम्मा कहाँ कहाँ डोली रे मेरी, अम्मा कहाँ कहाँ डोली, करना गौर नहीं, एक रसिया बजाओ, जो रसिया इन्होंने गाया था उस रसिया का जवाब सुनिए आप इधर से, मनोज सैनी और अशोक भैया की ओर से ये 51 रुपए का आशीर्वाद आया, आशीर्वाद की कामना करेंगे, बजाओ मासा रसिया, रसिया बंसी बारे थे, हाजी मां साहब एक सुर और बढ़ाओ, हो हो हो
बाहर से आई बहर कह रही थी, अरे जाकी मैया ने बचा लई जाकी जान, गुस्सा के देखो लहंगा में। अरे ये कमे जिंदगी के तो एक मसवरा कह रहे थे, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। कह रहे थे कि आखिरकार मंथरा कारण थी भगवान राम का बन जाने का। अब सुनिए, मंथरा कारण नहीं थी, हम बता रहे हैं कारण कौन था, चिंता मत करो कारण कौन था, पहले जवाब उसमें हो जाना चाहिए उसके बाद आनंद आएगा। मंथरा कारण नहीं थी कि श्री राम ने देखो पर मांगा, पर मांगा। भगवान राम एक दिन स्वयं केकई के पास पहुंच गए, जाकर के आंखों को मूंद लिया, कहा केकई ने कहा ये हरकत तो लक्ष्मण करता है। हाँ जी, प्यार प्यार से समझ में आना चाहिए कि व्यक्ति के। केकई ने कहा ये हरकत तो मेरे साथ लक्ष्मण करता है, तुम लक्ष्मण हो, तुमने मेरी आंखें मूंद ली। भगवान राम ने कहा मां आज तुम हार गई, मैं लक्ष्मण नहीं मैं राम हूं। अब जो हार जाता है वो जीतने वाले को कुछ ना कुछ देता है, इसलिए मां तुमसे एक बात मांगता हूं, तुमसे एक ऐसा मांग रहा हूं, मांगने के लिए मैं बहुत कुछ मांग सकता था लेकिन आज तुमसे एक ऐसी शर्त रख रहा हूं तुम्हारे सामने मांगने के लिए कि मां तुम्हें मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। हाँ। और जब तुम वनवास मांगोगी तो पूरे विश्व भर के अंदर पूरे आने वाले समय में तुम्हें कुमाता कहेंगे लोग। अगर ये कलंक का टीका तुम धारण कर सकती हो तो मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। स्वयं भगवान राम ने माता केकई से कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि पता था कि राज तिलक होता कैसे, क्योंकि राज मुकुट तो घर पर था ही नहीं, राज मुकुट तो बाली के पास था। उधर रावण की आयु भी 14 बरस शेष थी, उस रावण का भी उद्धार करना था जाकर के भगवान राम को, तब कहना पड़ा सुनेगा कि श्री राम ने देखो मां से कहा, और ये मां की भी मजबूरी थी, अरे मां की भी मजबूरी थी, मां की भी मजबूरी थी। अरे श्री राम के बन जाने में कोई खुद उनकी मंजूरी थी, कोई खुद उनकी मंजूरी थी कोई, लेकिन कहना पड़ा घुस के देखो लहंगा में। अब हम क्या कह रहे हैं सुनेगा, मेरी ताकत को तेरे, मेरी ताकत को मेरे भैया, मेरी ताकत को। इन्होंने गीत गाया, उसका जवाब, छंद गाया, उसका जवाब देने की कोशिश की, उसके बाद एक टुकड़ा गाया था वो मैंने दोहे के रूप में जवाब दिया। अब सुनिए, बहर गा रहे थे, अब कह रहा है इधर से, अरे एरे मेरी ताकत को नका कर ले ओ, देखो तुम ध्यान, पढ़ूंगा तुमसे महंगा मैं। अब सुनिए, अरे मंदोदरी की ओ टलई है, मंदोदरी की ओ टलई है, ज्योति सी दिप गयो है, ज्योति सी दिप गयो है। अरे राजा रघु के बाण के कारण वो रावण छिप गयो है, वो रावण छिप गयो है, वो रावण छिप गयो है भैया, वो रावण छिप गयो है, राजा रघु के वो रावण छिप गया। तब कहना पड़ा, एक बाण के कारण देखो, अरे खेल ये खोल रहे है, इधर उधर ये भटक रहा और भाजो डोल रहे है, भाजो डोल रहे है, भाजो डोल रहे है भैया, भाजो डोल रहे है, इधर उधर एरे पायो पायो है बाने शंकर से बरदान, पढ़ूंगा तुझसे महंगा मैं। क्या समस्या है तुझे, कछु ना है तो आराम से बैठ, बतला तो कानम बतला मां साहब, एक गीत बजाओ आ है री मजबूरी।
अब तक इनके जवाब सवाल देने की कोशिश की मैंने, समय हो गया तो बुलाओ उनको भैया, आमंत्रित करो आप उनको, हो गया समय तो आमंत्रित करो भैया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।